कर्नाटका चुनाव में बीजेपी जो है वो जादुई आंकड़ा पार कर चुकी है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। सर, जादुई आंकड़ा पार हो चुका है, क्या कहें? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि कर्नाटक में जो हमें जन समर्थन मिला है, जनता का सहयोग मिला है, वो सिद्धरमैया सरकार की भ्रष्ट नीतियों, अपराधीकरण और सांप्रदायिकता से भरपूर नीतियों के विरुद्ध है। केंद्र में श्री मोदी जी की सरकार में स्वच्छ पारदर्शी शासन और लोक कल्याणकारी नीतियों के समर्थन में है। इसमें श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के संगठन कौशल और कर्नाटक प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ताओं के समर्पण, निष्ठा और कर्मठता का भी योगदान है। आने वाले समय मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, फिर 2019 है, क्या लगता है? हम हर चुनाव को पूरी गंभीरता से लेते हैं। आपने देखा त्रिपुरा जैसा छोटा राज्य हमने इतनी गंभीरता से लड़ा कि हम शून्य से दो तिहाई बहुमत तक पहुंचे, इसलिए हम इन चुनावों को भी उतनी गंभीरता से लेंगे। और आश्वस्त रहिए, न सिर्फ कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जीतेंगे, बल्कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी पुनः स्पष्ट बहुमत से और अधिक सीटें प्राप्त करके सरकार बनाएगी। करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन पंकज के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।